को इम्प्रेस करने के लिए मानस ने लाया मौली के लिए खाना, लेकिन राहुल ने मौली को रोका उसे खाने से। दरअसल मौली के दिल में वापस अपनी जगह बनाने के लिए और मौली को इम्प्रेस करने के लिए मानस तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। मानस ने सोचा कि क्यों ना होली के दिन मौली को एक सरप्राइज दिया जाए। मानस ने मौली के लिए खाना लाया और मौली को सरप्राइज डिनर दिया। मानस अपने हाथों से मौली को वो खाना खिलाने ही वाला होता है कि तभी वहां राहुल आता है और मानस के हाथ से वो खाना झटक देता है। मौली और मानस दोनों शॉक में राहुल को देखते हैं। तभी राहुल बताता है कि मौली ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि इसमें काजू है और मौली को उससे एलर्जी है। मौली वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है और मानस बड़े ही गुस्से से राहुल की इस हरकत पे उसे देखता है, क्योंकि मानस का प्लान फ्लॉप हो चुका है और राहुल ने उस पे पानी फेर दिया है। ये क्या बचपन है राहुल, मैंने इतनी मेहनत से खुद मौली के लिए खाना बनाया, खुद खाना बनाया मेरे के लिए, तुमने कितनी मेहनत की है ना ये मैं अच्छी तरह से, फोन खोला, अनलॉक किया, फूड ऐप खोला और खाना मंगवा लिया, थक गए होगे तुम तो। क्या बोल रहा है, खाना तुमने खुद नहीं बना? राइट, बाहर से आए? हाँ बाहर से आए, मेरी मर्जी से नहीं मजबूरी से। जो खाना मैं मौली के लिए बना रहा था वो जल के खराब हो गया। शेफ नहीं हूँ, कुकिंग की प्रैक्टिस नहीं, और मैं मौली के लिए जो स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था वो कैंसिल नहीं करना चाहता था। तो एक मिनट, एक बार, हाँ हाँ हॉस्टल में रहे हो, खाना बनाना आता है, कुछ भी सिंपल सा बेसिक सा बना ले, सिर्फ फैंसी डिशेस मंगवाने की जरूरत ही नहीं, और मंगवाया भी तो काजू ग्रेवी वाली डिश। मैं कहाँ लड़ रही हूँ, ये दोनों लड़ रहे, वापस देखा उनका चलने लगा, वापस वो लड़ रहे, अजंता ने कुछ बोला, तन्वी ने बोला कुछ, चल रहा है उन लोगों का, चल रहा है ठीक है, देखते रहा ये लोग।